सो या हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज इतने दिनों के बाद आ गई है माइनक्राफ्ट की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे माइनक्राफ्ट इफेक्ट बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगे, और अगर पता भी हो तो देख लेना यार वीडियो को प्लीज, ठीक है। तो चलो करते हैं फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट। तो फैक्ट की शुरुआत करते हैं ओल्ड वर्जन के फैक्ट से। तो माइनक्राफ्ट का जो पुराना 1.8 वर्जन था उसमें कोई भी हंगर वार नहीं हुआ करता था, इसका मतलब खाने पीने का कुछ झंझट ही नहीं था। और अब थोड़ी दूर भागते और हमारा हंगर वार खत्म हो जाता है। और इसी के साथ एक और पुराने वर्जन का फैक्ट सुन लो। जो माइनक्राफ्ट का पुराना वर्जन था उसमें कोई बेड भी नहीं हुआ करता था, इसका मतलब हमें पूरी रात या तो गड्ढे में गुजारनी पड़ती थी या फिर इधर उधर घूम के। अच्छा है अभी के माइनक्राफ्ट के वर्जन में बेड है, वरना पता नहीं क्या होता रात में। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर आप लावा के ऊपर पानी डालते हो तो वो ऑब्सीडियन बन जाता है। वही अगर आप लावा को कोल्ड्रोन में रखोगे और फिर उसके ऊपर पानी डालोगे तो वो ऑब्सीडियन में नहीं बदलेगा। भाई ये क्या लॉजिक हुआ, मतलब कुछ भी माइनक्राफ्ट कुछ भी। तो आप जैसे माइनक्राफ्ट में फेंस का गेट खोलते हो और सारे एनिमल दौड़ के बाहर भागने लगते हो, और ये चीज काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी होती है क्योंकि तो फिर हमें उन एनिमल को वापस से पकड़ पकड़ के अंदर बंद करना पड़ता है। तो उसकी जगह आप ये एजिलिया लीफ का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि एनिमल अंदर तो जाएंगे पर वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसकी जगह पे आप ट्रैपडोर्स का भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये भी काफी ज्यादा अच्छी चीज है। तो माइनक्राफ्ट में पावर रेल बनाने के लिए हमको रखते हैं रेडस्टोन, और उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें या तो रेडस्टोन टॉर्च की जरूरत होती है या फिर रेडस्टोन ब्लॉक की। तो उसकी जगह आप नॉर्मल रेल पे गार्ड लगा के उसको पीक पे बिठाते हो और आप उसके ऊपर बैठते हो, तो बार बार आप पीक का बूस्ट बटन यूज करके अपने रेल गार्ड की स्पीड को बढ़ा सकते हो, और ये काफी सस्ता भी है। के तो अगर आप नेदर में गए और आपके ऊपर आग लग चुकी है और अब आपके पास वाटर बकेट भी नहीं है, और अगर होगी भी तो आप उसका यूज तो कर नहीं सकते। सैड लाइफ। ओके एक सेकंड, वीडियो टॉपिक से भटक रहे हैं, वापस से टॉपिक पे आना पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपके पास आग लगी और आपके पास है वाटर बकेट, वो भी स्प्लैश वाली, इसका मतलब ये वाली वाटर बकेट वापस से यूज नहीं आई। एक सेकंड, मैं इसको वाटर बकेट क्यों बोल रहा हूँ, एक सेकंड भाई भाई रुकना रुकना रुकना, कट कर देना इस वाले पार्ट को, है ना। तो अगर आपके पास स्प्लैश वाटर बोतल है तो आप उसका यूज कर सकते हो अपने ऊपर लगी हुई आग को बुझाने में। लेकिन भाई जो दिल में आग लगी उसका क्या, तू जा तो यहाँ से निकल भाग, पता नहीं कैसे कैसे लोग वीडियो में जाते हैं बेफालतू में। ओके वापस से टॉपिक चेंज होगा, ट्रैक पे आना पड़ेगा लगता है। तो क्या आप जानते हो कि एक नॉर्मल ब्लॉक आपको 16 ब्लॉक दूर से ट्रैक कर सकता है, लेकिन एक जो ज़ॉम्बी होता है वो आपको 42 ब्लॉक दूर से डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए सारे ज़ॉम्बी इतनी दूर से भी हमको देख के पीछे पड़ जाते हैं, और आप इनके डिटेक्शन रेशियो को कम करने के लिए ज़ॉम्बी हेड पहन सकते हो। इससे इन बेवकूफ प्राणियों को पता नहीं चला कि आप ज़ॉम्बी हो या फिर एक प्लेयर। साले मजाक बना के रखते हो। और अगर आप फॉक्स को पानी में रखते हो तो वो तैरते हैं। हाँ यही है फैक्ट। ओके बहुत हो गया मजाक। तो फैक्ट ये है कि जो बड़े वाले फॉक्स रहते हैं वो तैर सकते हैं, पर जो बेबी फॉक्स रहते हैं वो डूब जाते हैं। और क्या आपको पता है ये जो डेजर्ट टेंपल में ऊपर वाला फ्लोर है इसका क्या काम है? कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप एक परफेक्ट बीकन बना सकते हो, और ये जो ऊपर वाला छेद है यहाँ से बीकन की लाइट आसमान तक पहुंच सकती है। और क्या आपको पता है कि जो सेडल है वो भी एक आर्मर है? हाँ, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इसका मेरे पास एक प्रूफ भी है। तो अगर आप किसी और मोब या फिर हॉर्स को आर्मर पहना के उसके ऊपर इनविजिबल का पोर्शन फेंकते हो तो वो तो गायब हो जाएगा, पर जो आर्मर है वो गायब नहीं होगा। और अगर आपने उस मोब के ऊपर सेडल लगा रखा है और फिर आप इनविजिबल का पोर्शन फेंकोगे तो सेडल भी गायब नहीं होगा, बल्कि वो मोब गायब हो जाएगा। तो हाँ, ये भी एक आर्मर ही है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।